क्या शाहरुख खान करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा? 7300 करोड़ की संपत्ति में किसे मिलेगा कितना हिस्सा? आर्यन सुहाना अब्राहम में लड़ाई नहीं कराना चाहते हैं बादशाह? तो तीनों बच्चों के बारे में किंग खान ने कही है ये बड़ी बात। बॉलीवुड के पठान उर्फ जवान उर्फ सबके दिलों में राज करने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने बीते दिन 2 नवंबर को ही अपना 59वां जन्मदिन मनाया है। मन्नत में केक काटने से लेकर बौदे पर इवेंट होस्ट कर फैंस से मीट ग्रीट कर किंग खान ने अपने दिन को सेलिब्रेट किया। हाँ, बस इस साल बादशाह के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर जमा होने वाले उनके फैंस को उनके दीदार नहीं हो पाए। आखिर सुरक्षा कारणों की वजह से एक्टर अपने घर की बालकनी में चाहने वालों से मिलने जो नहीं आए। और शाहरुख ने इस साल अपने जन्मदिन पर अपनी इस परंपरा को भी तोड़ दिया। तो वहीं जिस इवेंट में एसआर के अपने फैंस से बर्थडे के दिन मिलने पहुंचे थे, उसकी तस्वीरों और तमाम वीडियोस के सामने आने के बाद शाहरुख की वो बात भी चर्चा का विषय बन गई है, जहां वो अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कुछ खुलासा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल शाहरुख ने #SRKDay इवेंट को बीते दिन होस्ट किया था। बीती शाम करीब 6:30 बजे शाहरुख बाल गंधर्व रंग मंदिर हॉल पहुंचे थे, जहां पर एक्टर का भारी पुलिस सुरक्षा और कई पुलिस वैन के साथ वेलकम किया गया। तो यहां वो डांस परफॉर्मेंस से लेकर फैंस से इंटरेक्शन करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही एक्टर ने अपने फैंस के सवालों के तमाम जवाब भी दिए। वहीं जब शाहरुख खान से ये पूछा गया कि उनके बच्चों में अगर लड़ाई होती है तो वो किसकी साइड लेते हैं या वो किसका फेवर लेंगे, तो एक्टर ने जवाब में कहा, वैसे लड़ाई होती नहीं उनकी, ये बहुत अजीब सी बात है। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे उन पर दया आती है। माशाल्लाह आज तक उनकी लड़ाई हुई नहीं है और हो भी ना, वरना प्रॉपर्टी के बंटवारे में बड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं सुहाना की साइड लूंगा, लड़कियाँ ठीक होती हैं, मुझे वो पसंद है, लेकिन लड़कों के शरीर पर बाल होते हैं। मुझे लड़कियाँ सुंदर और प्यारी लगती हैं, मजबूत लगती हैं, इसलिए मैं सुहाना का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसकी तरफ ताकत होगी और मैं पूरी मजबूती के साथ उसका समर्थन करूंगा। शाहरुख का ये जवाब सुन शो की होस्ट ने भी उनके लिए हार्ट का जेस्चर बनाया, तो फैंस ने उनके लिए खूब तालियां भी बजाई। आपको बता दें, इवेंट में शाहरुख ने अपने गाने झूमे जो पठान पर जमकर डांस भी किया। वहीं उन्होंने इवेंट से एक फोटो को अपने इंस्टा हैंडल पर भी शेयर किया, जिसमें वो अपना सिग्नेचर पोज देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे जन्मदिन पर आने और मेरी शाम को खास बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर आने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार, और जो नहीं आ सके उन्हें भी मेरा प्यार। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर शाहरुख ने फैंस का धन्यवाद किया। तो यहाँ आपको ये बता दें कि शाहरुख का ये इवेंट बांद्रा में फैन क्लब में रखा था, जिसमें वो शामिल हुए थे। वहीं इस साल वो फैन से पर्सनली मिलने नहीं आए, जैसे वो हर साल आया करते थे। उन्होंने इस साल इसे मिस कर दिया। बात शाहरुख के वर्क फ्रंट की करें तो एक्टर की अपकमिंग फिल्म किंग होने वाली है। सुजय घोष की इस फिल्म में एक्टर अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। बा बेटी की साथ में ये पहली फिल्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।